चलिए जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश अग्रवंशी स्वागत करता हूं आपका नमो विषय अकादमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम शब्द भेद की एक श्रृंखला को चला रहे थे और उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था अनेक के लिए एक शब्द, जिसके हम पहले ही लगभग तीन पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें इच्छा पर आधारित, पुत्र पर आधारित, स्त्री पर आधारित हम प्रश्न को कवर कर चुके हैं। आज जो हम उठाने वाले हैं इस पार्ट के अंदर, इसमें कुछ जानने वालों के ऊपर उठाएंगे, कुछ समय पर आधारित है और कुछ दिशाओं के बीच और दिशाओं के नाम पर आधारित है। ऐसे तीन कॉन्सेप्ट को अपन इसमें शामिल किया है और भी आगे अपन वीडियो जो लाएंगे उसमें अलग अलग पार्ट में अपन अलग अलग चीजों को कवर करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज अनेक के लिए एक शब्द में सबसे पहले जो हम करने वाले हैं वो है जानने वालों के ऊपर, कि हालांकि हम इसके पहले जब समुच्चयित भिन्नार्थक सीखे थे तब भी हमने जानने वाले के ऊपर शब्द सीखे हैं, तो आज वो हमको काम आने वाले हैं। आप प्रीवियस भी जो अपन समुच्चयित भिन्नार्थक शब्द पढ़ चुके हैं, विलोम शब्द पढ़ चुके हैं, इन पर भी फोकस रख के चले, वो हम पहले ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं जी। चलिए शुरुआत करें। आज देखिए सबसे पहले आप जान लीजिए, यहां पर आपके सामने लिखा है नंबर है 171। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आप समझ चुके होंगे कि अब तक अनेक के लिए एक शब्द में हम 170 लगभग क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं, सीख चुके हैं। आज हमारी श्रृंखला में 171 पर लिखा है जो बहुत कुछ जानता हो। तो इसके पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जानने के लिए शब्द कौन सा यूज करते हैं, तो सुनिएगा ध्यान से। ज्ञा मतलब होता है जानने वाला। ज्ञा मतलब क्या होता है जी? ज्ञा मतलब होता है जानने वाला। और ज्ञा मतलब होती है जानने वाली। अगर हम किसी पुल्लिंग की बात किया जाए तो वहां पर किसी भी शब्द के पीछे हम ज्ञा जोड़ेंगे तो पुल्लिंग का कहलाएगा, और अगर उसी शब्द के पीछे प्रत्यय रूप में अगर हम ज्ञा जोड़ दें तो वही स्त्रीलिंग का कहलाएगा। जैसे आपके सामने लिखा है जो बहुत कुछ जानता हो, तो वो आपके लिए, अगर मैं जब क्वेश्चन यहां पर लिखूंगा जो सब कुछ जानता हो, जो बहुत कुछ जानता हो, बहुत कुछ मतलब बहु, और ज्ञा मतलब होता है जानने वाला, तो इसका आंसर क्या होगा? बहुज्ञ। क्या होगा जी इसका आंसर? बहुज्ञ होगा, कि जो बहुत कुछ जानता है वो बहुज्ञ कहलाएगा। अगर मैंने बोल दिया कि जो बहुत कुछ जानती हो, मतलब आपको पता चल गया कि यहां पुल्लिंग की नहीं बल्कि किसी महिला की बात हो रही है, तो उनको क्या बोलेंगे? जो बहुत कुछ जानती हो वो बहुज्ञा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बहुज्ञा। तो अब ये एक बार मैंने क्वेश्चन कर लिया है, ये स्त्रीलिंग के लिए होगा और ये पुल्लिंग के लिए होगा, ठीक है। तो अब आपको यह ध्यान रखना है कि हर बार मैं स्त्रीलिंग नहीं लिखूंगा, उसका मतलब भी आप समझ सकते हो कि जब भी मैं पुरुष की बात कर रहा हूं तो उस समय महिला को मैं साथ में लेकर चल रहा हूं, तो उस समय आपको यह ध्यान रखना होगा कि जहां पर अपन ने ज्ञा जोड़ा है वहां पर ज्ञा ना जोड़कर क्या जोड़ना है जी? ज्ञा जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे हम लोग? ज्ञा जोड़ेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आपने कॉन्सेप्ट देखा कि ज्ञा मतलब होता है जानने वाला और ज्ञा मतलब होती है जानने वाली, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये आपके सामने यहां पर क्वेश्चन है जो अपन ने पहले रीड किया कि जो बहुत कुछ जानता है, यहां हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण शब्द था बहुत, और बहु का अर्थ होता है अधिक, और बहु मतलब बहुज्ञ जानने वाला। क्या मतलब? जानने वाला। जो बहुत कुछ जानता हो बहुज्ञ कहलाता है। दूसरा लिखा है जो विशेष जानता हो, तो हमारे पास यहां पर एक शब्द आया विशेष। इस शब्द ने हमें एक नई रचना करने को दिया कि विशेष तो जो का त्यों है और ज्ञा मतलब हुआ जानने वाला, तो जो विशेष जानता है वो क्या कहलाता है जी? विशेषज्ञ कहलाता है। सेम यहां पर वही, अभी लगातार कॉन्सेप्ट देखिए, आप एक ही कॉन्सेप्ट से कहीं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो राजनीति को जानता है, इसका मतलब हमें मूल शब्द यहां राजनीति मिला, तो उसमें ज्ञा जोड़ दीजिए। जो राजनीति को जानता है मतलब राजनीतिज्ञ। और वही मैंने अगर आपको बोल दिया कि जो राजनीति को जानती हो वो राजनीतिज्ञा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? राजनीतिज्ञा कहलाएगी। स्त्रीलिंग के लिए अभी अपनी बात हुई है कि ज्ञा पुल्लिंग के लिए लगता है और ज्ञा स्त्रीलिंग के लिए लगेगा। चलिए वेद जानने वाला, आपको यहां महत्वपूर्ण शब्द जो मिला वो कौन मिला? वेद। और इसी से हमारा एक शब्द बना कि वेद जानने वाला वेद, और ज्ञा मतलब जानने वाला। जो वेद को जानता हो वो क्या कहलाता है? वेदज्ञ। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अभी केवल आपको समझना है, लिखना कुछ भी नहीं है। जैसे हम पूरे कंप्लीट करेंगे बहुत स्पीड के साथ, मैं आपको रिविजन भी करवा दूंगा वीडियो के अंत में, ठीक है। चलिए देखिए अगला, देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन, अगले चार क्वेश्चन की फिर सीरीज है। देखिए उसके अंदर क्या है कि शास्त्र जानने वाला। अब सभी आप जान चुके हैं कि अपना कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, कि शास्त्र तो जैसे का वैसे लिखा जाएगा, और शास्त्र को जानने वाला क्या होगा? शास्त्रज्ञ। हालांकि शुद्ध
हिसाब से देखा जाए तो शास्त्र कैसे लिखा जाता है वो भी मैंने आपको क्लास में सिखाया है, ये शुद्ध है। अगर वहां पहले से कोई अशुद्ध मौजूद है तो इस शास्त्र को सही माना जाएगा, अदरवाइज अगर शास्त्र के अंदर ही मिस्टेक है तो फिर ये शास्त्र गलत माना जाता है। तो ध्यान रखे शास्त्र वो शुद्ध होता है। तो शास्त्र जानने वाला शास्त्रज्ञ कहलाता है। क्या कहलाता है जी? शास्त्रज्ञ कहलाता है। थोड़ा, थोड़े को हिंदी में आप थोड़ाज्ञ थोड़े को बोलेंगे यहां पर, कि भाई थोड़ा शब्द मूल है तो यहाँ थोड़ा और ज्ञा मतलब जानने वाला, थोड़ाज्ञ ऐसा शब्द यूज नहीं होता हिंदी में। थोड़े का मीनिंग होता है अल्प, तो अल्प थोड़े के लिए अपने क्या लिखा? अल्प। और ज्ञा मतलब जानने वाला, जो थोड़ा जानता है वो क्या कहलाता है? अल्पज्ञ कहलाता है। क्लियर है क्या? चलिए, नीति को जानने वाला, नीति को जानने वाला, वापस से हमारे पास एक मूल शब्द आया नीति, और नीति से बना यहां पर नीतिज्ञ। नीति को जानने वाला, मेरे खुद के नाम में भी अगर देखा जाए तो, अगर आपसे कोई पूछे कि नीतीश के अंदर भी देखा जाए तो नीति प्लस ईस निकलता है, यही वाला शब्द उसमें मूल निकलता है। तो ध्यान लगे, नीतिज्ञ का मतलब होता है नियम को जानने वाला, नीति को जानने वाला नीतिज्ञ कहलाता है। किसी का मर्म या गुण रहस्य जानने वाला, किसी के प्रति आत्मीयता से उस चीज को जानना, मर्म को समझना, तो मर्म यहां पर मूल शब्द हो गया, और ज्ञा मतलब जानने वाला, तो ये हो गया आपका मर्मज्ञ। ठीक है, किसी का मर्म या गुण रहस्य जानने वाला क्या कहलाता है जी? मर्मज्ञ कहलाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे। अगले चार प्रश्नों की श्रृंखला में आपके सामने आ रहा है, वापस से दो लिखे हुए हैं, देखेंगे। तीनों कालों को जानने वाला, आप तीनों कालों को दर्शन करने को बोलते हैं त्रिकालदर्शी, है ना, जो त्रिकालदर्शी तीनों को देख सकता है। लेकिन यहां जानने की बात हुई है, देखने की बात नहीं हुई है, तो हम इसको एक शब्द में अच्छा बोल सकते हैं त्रिकालज्ञ। जो आप त्रिकालदर्शी पढ़ते वो भी यही है, लेकिन अगर इस शब्द को उचित अर्थ निकालना है तो त्रिकालज्ञ होगा, कि तीनों कालों को जानने वाला क्या होगा? त्रिकालज्ञ होगा, त्रिकालदर्शी भी कहा जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे। किए गए उपकार को मानने या जानने वाला, तो अपन ने पहले भी क्लास में पढ़ा है कि क्रय एक धातु है, और क्रय धातु का मतलब होता है करना, और क्रय धातु से कितने शब्द बनते हैं? कृत, कार, कृति और करण, ये सब क्र धातु से बनने वाले शब्द हैं। तो मेरे कहने मतलब, आपने कुछ किया है तो कृत किए गए कार्य, और ज्ञा मतलब जानने या मानने वाला। तो किए गए कृत मतलब किया हुआ कार्य, ज्ञा मतलब जानने या मानने वाला, तो किए गए कार्य को मानने वाला क्या कहलाता है? कृतज्ञ कहलाता है, कि हाँ यार उसने मेरे लिए कुछ काम किया, वो कृतज्ञ। और जो नहीं मानता है उसका नाश करता है, तो इसका विलोम शब्द आपने सीखा है समुच्चयात भिन्नार्थक में कृतज्ञ, ये भी मैं सिखा चुका हूं आपको, कि किए गए कार्य का नाश करने वाला, कि भाई मेरे लिए फला व्यक्ति ने कुछ भी नहीं किया है, और अपने मुंह से उसने उस चीज को अंत कर दिया कि नहीं मेरे लिए कुछ नहीं किया, मतलब किसी ने आपका उपकार किया है, उस उपकार को आप डिनाई कर रहे हो, नहीं मान रहे हो, तो उसको कृतज्ञ बोलते हैं। तो किए गए उपकार को मानना या जानना कृतज्ञ कहलाता है, और किए गए उपकार को ना मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है जी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों की श्रृंखला पर चलते हैं। अब यहां पर एक नई श्रृंखला जो चालू हुई है, वो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि दुनिया में जो जीव उत्पन्न हुए वो चार प्रकार से हुए हैं। तो उसमें ज का मतलब अपन ने सीखा है कि ज मतलब उत्पन्न होने वाला, ये सब कॉन्सेप्ट हम एक बार पढ़ चुके हैं, मैंने उस समय जब पढ़ाया था आपको समुच्चय भिन्नार्थक के अंदर, तब हमारी बात हुई थी कि आने वाले अनेक लेख शब्द में हमको ये बहुत मददगार साबित होने वाले है। तो प्लीज जो भी अभी इस वीडियो को देख रहा है, अगर आप पहले के पार्ट को नहीं देख पाए हैं, विलोम शब्द, समुच्चय भिन्नार्थक शब्द, रिक्त स्थान, इनको जरूर देखें, आपके पास शब्द का भंडार बढ़ेगा, तो डेफिनेटली आप आगे के टॉपिक में अच्छा कर पाओगे। ठीक है, चले देखें। ज मतलब उत्पन्न होने वाला या पैदा होने वाले, और सेम का सेम मैंने आपसे कहा कि जैसे इसमें आप प्रत्यय लगता है तो उत्पन्न होने वाली या पैदा होने वाली कहलाएगी। क्या कहलाएगी? उत्पन्न होने वाली या पैदा होने वाली। तो जहां जहां पर ज लगा है वो पुल्लिंग के लिए यूज किया जाएगा, और जा वहां स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए देखिए आप, तो दुनिया में सृष्टि जो चार प्रकार की हुई वो कैसे है, ये भी आप देख सकते हो कि स्वयं उत्पन्न होने वाला क्या कहलाता है। तो यहां पर स्वयं उत्पन्न वाला स्वयं स्वयंभू कहलाता है। क्या कहलाता है जी? स्वयंभू। ये विशेष तौर पर भगवान के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है, तो ये तो स्वयंभू होगा जो स्वयं उत्पन्न होने वाला है। अब यहां से हमारा कॉन्सेप्ट चालू होने वाला है। देखिए, पिंड के रूप में उत्पन्न होने वाला, तो पिंड जैसा का वैसा, और उत्पन्न होने वाला मतलब किसी पुल्लिंग की बात हो रही है, और ज मतलब होता है उत्पन्न या पैदा होने वाला, तो पिंडज मतलब पिंड से उत्पन्न होने वाला। लेकिन अगर यहीं पर मैं क्वेश्चन आपसे करूं
कि पिंड के रूप में उत्पन्न होने वाली, तो वहां पर पिंडजा होगा। क्या होगा जी? पिंडजा होगा। समझ गए? जो धरती फोड़ कर जन्म लेता है, धरती को उद्भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? उद्भी और उद्भिज जो होगा, डबल जा भी यूज कर लेते हैं यहां पर। तो ये किसके लिए होता है? जो धरती फोड़ कर जन्म लेता है। जब मैं समास पढ़ाता हूं तब आपको सिखाया मैंने कि दुनिया में चार प्रकार से जीव उत्पन्न होते हैं। जो पसीने से उत्पन्न हो उसको स्वेदज कहा जाता है, जो अंडे के रूप में उसको अंडज कहा जाता है, उसके अलावा जो धरती से बाहर निकलता है वो उद्भिज कहलाता है, और जो झिल्लियों पानी की झिल्लियों से निकलता है उसको जरायुज कहा जाता है। वो अभी आने वाले हैं, ठीक है। जो पसीने से जन्म लेता है, पसीने को हिंदी में स्वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? स्वेद, नॉट स्वेद। तो स्वेद से बना स्वेद, और जन्म लेने वाला बोलाएगा स्वेदज। जो पसीने से जन्म लेता है वो क्या कहलाता है? आपका स्वेदज। तो आपने देखा पिंड से पिंडज, धरती को उद्भिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्भी, उससे बना उद्भिज, और पसीने को बोलते हैं स्वेद, उससे बना क्या? स्वेदज। चलिए अगला देखेंगे। यहां पर आया है जो अंडे से जन्म लेता है, अंडे से जन्म लेने वाला अंडज कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? अंडज कहलाएगा। जो दो बार जन्म लेता है, दो को बोलते हैं द्वि, और जन्म लेने को बोलते हैं जा। इसका मतलब है जो दो बार जन्म लेता है वो द्विज कहलाता है। और इसके कई उदाहरण पढ़ने देखिए, दांत, चंद्रमा, सर्प, पक्षी, मतलब ये सभी लोग क्या है? जैसे सर्प और पक्षी को देखो तो अंडे के रूप में एक बार जन्म लेंगे, फिर दूसरी बार वो अंडे से बाहर आएंगे। दांत भी आपके एक बार बचपन में टूटे थे जो दूध के दांत थे, उसके बाद दोबारा आए थे। चंद्रमा भी 15 दिन के लिए विलुप्त होता है, 15 दिन की उजाली और अंधेरी होती, तो उससे दो बार जन्म। तो ऐसे और भी शब्द है जिनको हम द्विज बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसके अलावा यहां पर अगर लिखा नहीं तो वो भी देख सकते हो आप, कि जो अंडे से जन्म लेता है, जो पानी की झिल्ली से जन्म लेता है। किससे जन्म लेता है जी? पानी की झिल्ली से जन्म लेता है। तो जो पानी की झिल्ली से जन्म लेता है वो जरायुज कहलाता है। क्या कहलाता है? जरायुज। तो मनुष्य हो गए और कुछ जानवर हो गए, ये क्या कहलाएंगे? जरायुज। जरायु का मतलब ही होता है पानी की झिल्ली से जन्म लेने वाला, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे जी। अब आ रहा है आपके सामने समय से संबंधित। किससे संबंधित? समय और कोण से संबंधित, दिशा से संबंधित जो प्रश्न आ रहा है उनको देखेंगे। कि जो सूर्योदय के पहले का समय होता है जी, सूर्योदय का पहले का समय, इसका मतलब है रात्रि का चौथे पहर की बात हो रही है। टोटल अगर आपको देखा जाए तो अलग अलग हिसाब से देखोगे तो आपके 8 पहर होते हैं, एक पहर 3 घंटे का होता है। इस प्रकार 3 के हिसाब से आप जोड़ लीजिए तो 8 × 3 = 24 होता है। तो टोटल कितने पहर होंगे आपके? 8 पहर। ये आपसे बात करना चाह रहा है कि सूर्योदय का पहले का समय क्या होगा, मतलब रात्रि के चौथे पहर की बात हो रही है, जो लगभग 3 बजे से 6 बजे के बीच रहने वाला है। और इस 3 बजे और 6 बजे, 3 से 6 जो होता है, उस पहर को हम बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त, और या तो आप बोलोगे इसको उषा काल। क्या बोलोगे जी इसको? उषा काल। 3 से 6 बजे के बीच का जो टाइम होता है उसको उषा काल। सबसे पहले आप एक काम करिए, आप ये समझ लीजिए कि 8 पहर कैसे होते हैं। तो देखिए, सुबह 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 6, ये हमारे दिन के पहर हो गए। उसके बाद रात्रि के पहर कैसे चलेंगे? रात के 6 to 9, 9 to 12, 12 to 3 और 3 से 6, ऐसे पहर होते हैं। तो अगर यहां से बात करें कि ये कैसे पहर होंगे, तो ये 3 से 6 वाला जो हो गया ये उषा काल हो गया, ये सूर्योदय का समय है, ये पूर्वाह्न है, ये बिल्कुल सेंटर वाला मध्यान्ह कहलाएगा, फिर अपराह्न कहलाएगा, फिर गोधूली कहलाएगा। ऐसे अपन एक एक करके सब सीखने वाले हैं। बस पहले आपको ये पता चल जाए कि पहर टोटल 8 होते हैं, और 8 पहर में हर पहर 3 घंटे का होता है। 4 दिन के पहर होते हैं और 4 रात के पहर होते हैं। चलिए स्टार्ट करें। आप देखो एक एक करके सब समझना आप यहां पर। सबसे पहले आपके सामने लिखा सूर्योदय का पहले का समय, जो मैंने आपको कहा ब्रह्म मुहूर्त कहलाएगा, और या तो उषा काल कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? उषा काल कहलाएगा। वैसे बात करें रात्रि व सूर्योदय के बीच का समय क्या कहलाएगा, कि रात्रि व सूर्योदय के बीच का समय, कि रात होने वाली और सूर्योदय के, ये तो बड़ा लंबा हो गया, रात्रि व सूर्योदय के बीच का समय। तो सुनिए ध्यान से, ये वापस इसी क्वेश्चन की बात कह रहे हैं। सूर्योदय के पहले का समय बोलो या तो रात्रि व सूर्योदय के बीच का, बात वही हो रही है। वापस ये कौन सा काल कहलाएगा? उषा काल कहलाएगा जी। क्या कहलाएगा?
उषा काल कहलाएगा। क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा है, क्वेश्चन है वही, सूर्य उदित का समय, जब सूर्य उदय हो रहा है तो इस समय को सूर्योदय या दूसरी भाषा में अरुणोदय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूर्योदय या अरुणोदय कहा जाता है। तो सूर्य उदित का समय सूर्योदय या अरुणोदय कहलाता है। रात्रि और सूर्योदय के बीच का बोलो या सूर्योदय के तुरंत पहले का समय जो 3 से 6 बजे के बीच में होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त या उषा काल कहा जाता है। चलिए, दोपहर के पूर्व का समय, तो दोपहर के पूर्व का समय जो होता है उसको पूर्वाह्न कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? पूर्वाह्न बोलते हैं। पूर्वाह्न मतलब पहले का, ठीक है, दोपहर के पहले का समय। तो आप समझ गए, सूर्य उदित का समय सूर्योदय, दोपहर के पूर्व का समय पूर्वाह्न। आगे देखेंगे। आप बोल रहे हैं कि बिल्कुल वही समय बताइए जब क्या हो रही हो, दोपहर हो रही हो, तो दोपहर का समय आप सभी जानते हैं कि इसको हम दोपहर बोलते हैं, और बोले तो इसको मध्याह्न बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मध्याह्न। तो दोपहर का समय का क्या बोलते हैं आप? मध्याह्न बोलते हैं। दोपहर के बाद लेकिन संध्या के पहले का समय, मतलब ये आपसे 12 से 3 के पीरियड की बात कर रहा है, 3 से 6 वाली बात नहीं हो रही है, इसको अपराह्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? अपराह्न। तो आपने देखा कि एग्जैक्टली 12 बजे जो समय है उसको आप दोपहर मतलब मध्याह्न बोलते हैं, ठीक है, मध्याह्न बोलते हैं। और अगर आपसे बात की जाए 12 के बाद, 12 से 3 के बीच में जो बात रहेगी उसको अपराह्न बोलेंगे, और जस्ट इसके पहले वाला समय जो रहेगा वो पूर्वाह्न रहेगा। और सूर्योदय का समय तो आपको पता है सुबह 6 से 9 वाला हो गया, 9 से 12 वाला क्या हो गया? पूर्वाह्न हो गया। एक एक पहर भी आपको प्रॉपर दिख रहे होंगे, ठीक है। चलिए, अब बोल रहा है कि सांझ या संध्या एवं रात्रि के बीच का समय, जो शाम हो रही है एवं रात्रि के बीच का समय, रात हुई नहीं है उसके पहले का समय, या तो गायों के खुओं से बड़ी हुड़ी धूल, इसको भी गोधूली बोलते हैं। गो मतलब गाय और धूली मतलब धूल, और इस पीरियड ऑफ टाइम को भी क्या बोलते हैं जी? गोधूली या गोधूली बेला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोधूली बेला कहा जाता है। अब ये गोधूली मतलब गाय, मतलब ऐसा माना जाता है कि गांव के अंदर या जो गाय बैल जंगल जा रहे हैं घास फूस खाने के लिए, जब ये लौटने का टाइम होता है तो ये शाम का समय होता है, संध्या का समय होता है, और उस संध्या के समय को आप क्या बोलते जी? गोधूली बेला। बड़ा शुभ समय माना जाता है, जहां से हम आरती वारती या उस गोधूली बेला के बाद ही हम भगवान की पूजा स्टार्ट वगैरह प्रारंभ करते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अब आ रहे हैं कि रात्रि का पहला पहर जो हम बात कर रहे हैं 6 से 9 का, कौन सा जी? 6 to 9, ये पहला पहर है और इसको प्रदोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? प्रदोष कहा जाता है, पहले पहर को ये ध्यान रखेंगे। रात्रि का दूसरा जो पहर है उसको निशीत कहा जाता है, जो 9 से 12 होता है। तो रात्रि का पहला पहर आपका प्रदोष कहलाएगा, रात्रि का दूसरा पहर आपका निशीत कहलाएगा, और मध्य रात्रि का समय या आधी रात का जो समय है उसको त्रियामा बोलते हैं। ये रात्रि का एक्चुअल में तीसरा पहर होता है। कौन सा पहर होता है? तीसरा पहर होता है, जिसको त्रियामा बोलते हैं। वापस से देख लीजिए, चाहे रात्रि का मध्य रात्रि की बात करें या उसी को तीसरा पहर बोले, जो लगभग 12 से 3 का माना जाता है, और इस पहर के अंदर सोना सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि इस समय पर तंत्र विद्याएं काम करती है। जितने भी बुरे काम होते हैं, जितने भी तंत्र विद्याएं जादू टोटके टामनी काम करते हैं जी, वो इस पीरियड ऑफ टाइम में करते हैं। तो त्रियामा थोड़ा सा अशुभ समय माना जाता है, तो रात्रि का तीसरा पहर थोड़ा खतरनाक होता है, ठीक है। रात्रि का जो चौथा पहर है, जब अपन ने पहले बात की कि रात्रि और सूर्योदय के बीच का समय उषा काल कहलाता है, तो वही बात यहां पर भी हो रही है कि रात्रि का चौथा पहर स्वयं कौन है? उषा काल ही है। कौन सा काल है जी? उषा काल। क्वेश्चन को पूछने के अलग अलग तरीके हो सकते, 3 बार अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन हुआ आपके सामने, हर बार उसका एक ही आंसर था, उषा काल, ठीक। अगला देखेंगे। वापस से आपसे वही क्वेश्चन रिपीट हुआ कि रात्रि का तीसरा पैर अगर आपसे पूछे, जहां पर बोल रहा था रात्रि का मध्य पैर कौन सा होगा, तो मध्य मतलब तीसरा पैर, और तीसरे नंबर पर आने के कारण इसको त्रियामा कहा जाता है, और यामा का मतलब खुद रात होता है, और त्रि मतलब तीसरा पैर। रात्रि का तीसरा पैर क्या होता है? रात होता है, इसलिए आपने यामिनी भी सुना होगा, यामिनी, रजनी, निशी, ये सब किसके पर्यायवाची है? रात्रि के है। तो यामा, यामिनी सब किसके पर्यायवाची? रात्रि के होंगे, ठीक है। अब बात आ रही कोण के बारे में, बताइए ये कोण के बारे में ध्यान रखना, बड़े अच्छे क्वेश्चन में से आते हैं, इसको ध्यान से समझे।
पूर्व एवं दक्षिण के बीच का कोण क्या होगा, पूर्व एवं उत्तर के बीच का कोण क्या होगा, पश्चिम एवं दक्षिण के बीच का कोण क्या होगा, और आगे एक और आने वाला है वो उसको भी देखने वाले हैं। तो देखिए पूर्व एवं दक्षिण के बीच का कोण अगर देखेंगे, मान लीजिए आपके सामने ये एबीसी है, गौर करिए यहां पर जरा देखिए ध्यान से, मैं एबीसी बना रहा हूं आपके सामने। यहां पर याद करने का एक तरीका कैसे होगा, अगर आप गौर करेंगे तो ये एबीसी के इस तरफ मंडी है और मंडी है इस तरफ और सामने से सूरज निकलता है तो ये पूर्व हो गया और मंडी इस तरफ है या इसको उत्तर दिशा है और ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। तो शायद आप थोड़ा सा अनुमान लगाइए कि मान लीजिए आप एबीसी के सामने ऐसे खड़े हैं और आप पर कौन आ रहा है, ये सूर्य आ रहा है, मतलब ये पूर्व दिशा है। सुनिएगा ध्यान से, तो आपके पास अब ये वे बन गया है, ये आपका मंडी चौराहा से लेकर ये प्रभात वाला एरिया हो गया और ये आपके जस्ट सामने और ये एबीसी के पीछे वाला भाग हो गया। अब मैं आपको तीन चार चीजें दिखा रहा हूं, उसको समझे। थोड़े से आगे में आप यहां पर कॉर्नर पर जाओगे, यहां पर एक अमृत ढाबा है। कौन सा ढाबा है जी? अमृत ढाबा है। इस जगह पर मंडी है, ठीक है। इस तरफ अगर आप चलोगे तो यहां पर आपका पूरा पुलिस फोर्स खड़ी रहती है, बोलो हाँ की ना। और इधर के एरिया में क्या है, एक खाली स्पेस है, पूरा का पूरा पूरा स्पेस है यहां पर खाली वाला ब्लैंक। अब इसको जरा ध्यान देखना कैसे इसको अपन अटेम करने वाले हैं, देखिए। और एक स्पेस ये है जहां अभी कोई भी अपन बात नहीं कर रहे, किसी कॉलोनी की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप समझना चाहोगे तो समझिए, यहां अमृत ढाबा है, पक्का यहां पर आग जल रही होगी, पक्का ढाबे के अंदर आग जलती होगी। तो देखिए मैं खड़ा हूं, मेरे सामने पूर्व दिशा है और मुझे प्रभात तरफ जाना तो दक्षिण पड़ेगा, तो इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है, यहां अग्नि जलेगी तो यहां पर आग्नेय कोण बनेगा। कौन सा कोण बनेगा? आग्नेय कोण बनेगा। तो एक तो समझ में आ गया कि कौन सी दिशा भाई, पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा के बीच यहां पर अमृत ढाबा दिखेगा आपको। सामने जाएंगे तो वहां पर अमृत में अग्नि जलेगी, अग्नि से बनता है आग्नेय, तो यहां पर कौन सा कोण बनेगा? आग्नेय कोण बनेगा। अच्छा, जब आप मंडी तरफ जाएंगे, मंडी आपके दक्षिण दिशा में और पीछे पश्चिम है, यहां पर एक पूरा एरिया, यहां पर डेप्थ लगे हुए खाली जगह पड़ी है और यहां पूरे वायु का प्रवाह होगा, इसलिए इसको आप नाम दे सकते हो वायव्य। तो दो दिशाओं के बारे में पता चल गया होगा कि पूर्व और दक्षिण के बीच आग्नेय होगा, अगर आप यहां उत्तर दिशा और पश्चिम की बात करें तो वायव्य होगा। अब आप ध्यान रखना, इस चौराहे पर पूरे पुलिस वाले खड़े हुए हैं और इधर ही अपना मंदिर वगैरह पड़ता है, और मंदिर मतलब देवताओं की बात करेंगे और भगवान शिव का ईशान नाम होता है, इसलिए इस दिशा में ईशान कोण बनेगा, तो ये ईशान यहां पर आएगा, तो उत्तर और पूर्व के बीच ईशान बनेगा। बात करें दक्षिण और पश्चिम के बीच में, ये एकमात्र कोण ऐसा है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस कोण का नाम है नैऋत्य। क्या नाम है इसका? नैऋत्य नाम है। अब एक बार वापस से मैं समझा रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा। मैंने अभी आपसे कहा कि आपके पास, वापस से देख लीजिए एक बार, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है और ये उत्तर है। जब भी आपको सब्जी वगैरह खरीदना होता है तो उसका उत्तर आपको मंडी से मिलता है, मंडी किस तरफ है? इस तरफ है। अब देखिए, मैंने कहा अमृत ढाबा यहां पर है तो अग्नि जलेगी, तो यहां आग्नेय कौन होगा? ये स्पेस पूरा आप इस तरफ जाओगे तो यहां खाली पड़ा हुआ है, यहां वायु घूमेगी, इसका मतलब वायव्य कोण यहां पर होगा। मंदिर मतलब पुलिस वाले इधर खड़े रहते, इधर से मंदिर मिलेंगे तो ईशान यहां पर, मतलब भगवान का निवास इधर, तो ईशान कोण यहां पर होगा। एक लौता बचा वो नैऋत्य यहां पर होगा। आप इस कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं, चलिए ठीक है। अब मैं आपके सामने कोणों का नाम लिख रहा हूं, ध्यान से समझे। पूर्व एवं दक्षिण के बीच का कोण अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने लिखा, वो कोण था आपका आग्नेय। पूर्व एवं उत्तर के बीच का कोण, अब इस तरफ चलेंगे तो आप ईशान कोण मिलेगा आपको, ये सर्कल की बात हो रही है, ये अमृत ढाबा की बात हो रही है। पश्चिम एवं दक्षिण के बीच का कोण, पश्चिम ये पीछे वाला और दक्षिण इस तरफ वाला, और ये एक झोपड़पट्टी वाला एरिया है तो इसको नैऋत्य बोला मैंने। नैऋत्य क्या लिखा इसको? नैऋत्य कोण। अगला एक और कोण आएगा, देखेंगे उसको। ये जो दिशा है ये उत्तर है और ये पश्चिम है, तो एबीसी से जब इस तरफ चलेंगे तो इधर एक जगह खाली है, खाली वहां वायु घूमेगी, तो ये कौन कौन सा कहलाएगा? वायव। देखिए जिसको समझना है उसको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, हालांकि मैंने इस पर क्लास में भी चर्चा की है। अब आ रही है वर्षों वाली, कि वर्षों पर अपन जो जयंती मनाते हैं उसको कैसे डिनोट करते हैं, तो देखिए अपन कैसे डिनोट करेंगे उसको। जो 10 वर्षों में होती है,
दस वर्षों में होने वाले को दशक कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? दशक। नाम से स्पष्ट है, दशक मतलब दस वर्षों में होने वाला। पचास वर्षों में जो होती है उसको, एक सेकंड रुकिए, यहां पर गलती है, यहां पर कुछ छूटा है इन्होंने। पचास वर्षों से पहले और यहां पर जो लिखा है इसको ध्यान सुधार लीजिए। पच्चीस वर्षों में होने वाली को आप कौन सी जयंती बोलते हो? पचास वर्षों में होने वाली को आप कौन सी जयंती बोलते हो? साठ वर्षों पे होने वाली को आप कौन सी जयंती बोलते हो? पचहत्तर वर्षों पर होने वाले को कौन सी जयंती बोलते हो? और सौ वर्षों पर होने वाले को कौन सी जयंती बोलते हो? देख लीजिए ध्यान से, एक ही बार मैंने लिख दिया, इनको समझे। मैंने कहा दस वर्षों पर होने वाली दशक कहलाती है, दस वर्षों पर होने वाला दशक कहलाता है, तो पच्चीस वर्षों पर होने वाली रजत जयंती कहलाएगी। कौन सी जयंती? रजत। पचास वर्षों पर होने वाली आपकी गोल्डन जुबली बोलते हैं जिसको, तो यह स्वर्ण जयंती कहलाएगी। साठ वर्षों पर होने वाले को आप स्वर्ण के बाद हीरा बोलेंगे तो हीरक जयंती कहलाती है। पचहत्तर वर्षों पर होने वाले को प्लेटिनम बोलते हैं तो प्लेटिनम जयंती। और अंतिम सौ वर्षों को शताब्दी बोलते हैं, ये शायद आप पहले से जानते हैं। तो आपके लिए नया क्या था वो देखिए ध्यान से, कि दस वर्षों पर होने वाला दशक कहलाता है, पच्चीस वर्षों पर होने वाली रजत, पचास वर्षों पर स्वर्ण, साठ वर्षों पर हीरक जयंती, पचहत्तर वर्षों पर प्लेटिनम जयंती, सौ वर्षों पर क्या होगा जी? शताब्दी होगी। ठीक है, आगे आपको यही क्वेश्चन मिलने वाले थे ये, बस थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। यहां पर 25 वर्षों आना था, कितने वर्ष? 25 वर्ष। ये 50 हो गया, यहां 60 हो गया, आगे देखोगे तो इधर 75 और 100। ठीक है, अब जितना अपन ने पढ़ा है इसको दो मिनट के अंदर पूरा रिवाइज कर लेते हैं और फाइनली अपन ये पार्ट खत्म करते हैं इसका। ठीक है, चलिए देखें, अब ध्यान से सुनना और अपना अपना आंसर मेरे से पहले आना चाहिए आपका, जब आप इसको पढ़ रहे होंगे। उसके बाद जो बहुत कुछ जानता हो उसको बहुज्ञ कहा जाता है, जो विशेष जानता हो उसको विशेषज्ञ कहा जाता है, जो राजनीति को जानता है उसको राजनीतिज्ञ कहा जाता है, वैसे ही सेम वेद को जानने वाला वेदज्ञ कहलाता है, शास्त्र जानने वाला शास्त्रज्ञ कहलाएगा, थोड़ा जानने वाला, थोड़ा मतलब अल्प होता है, अल्पज्ञ कहलाएगा, नीति को जानने वाला आपका क्या कहलाएगा? नीतिज्ञ कहलाएगा, और किसी का मर्म जानने वाला मर्मज्ञ कहलाता है। बात करें रिविजन में, तीनों कालों को जानने वाला आपका त्रिकालज्ञ या त्रिकालदर्शी कहलाता है, किए गए उपकार को मानने या जानने वाला कृतज्ञ कहलाता है, और किए गए उपकार को ना मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। बात करें अगले पर कि स्वयं उत्पन्न होने वाला, शायद आपको याद आ रहा होगा जिसे स्वयंभू कहा था, पिंड के रूप में उत्पन्न होने वाला पिंडस कहलाता है, जो शरीर फोड़कर जन्म ले, जो धरती फोड़कर जन्म लेता है सॉरी, वो क्या कहलाएगा? तो उद्भी मतलब धरती की बात हो रही, तो उद्भिज कहलाएगा, जो पसीने से जन्म लेता, पसीना मतलब स्वेद, स्वेजत कहलाएगा, जो अंडे से जन्म लेता है वो अंडस कहलाता है, जो दो बार जन्म लेता है, दो का मतलब द्वि, और जन्म लेने वाला द्विज कहलाता है, दो बार जन्म लेने वाला, सूर्योदय के पहले का समय जो होता है वो उषा काल कहलाता है, जो रात्रि का चौथा पहर भी होता है, सूर्योदय और रात्रि के बीच का समय भी होता है। जैसा कि आपको अगला प्रश्न लिखा, रात्रि व सूर्योदय के बीच का समय वापस से उषा काल कहलाएगा जी। सूर्य उदित का समय जो सूर्योदय कहलाएगा या अरुणोदय कहलाएगा। बात करें दोपहर के पूर्व का समय, अर्थात सूर्योदय और दोपहर के बीच का समय क्या कहलाएगा? मतलब सूर्योदय 6 और 9 के बीच, और उधर 9 से 12, मतलब 9 से 12 का टाइम क्या कहलाएगा? आपका पूर्वाह्न कहलाएगा, जिसको दोपहर के पूर्व का समय, एग्जैक्टली दोपहर का समय क्या कहलाएगा? तो उसको मध्याह्न बोलते हैं, और दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है, जो संध्या के पहले का समय है। सांझ या संध्या का समय जस क्या कहलाता है? वो 6 से 9 वाला जो शाम का समय होता है, वो गाय के खुरोक से धूड़ी गोधुली कहलाती है, ये गोधुली बेला कहलाता है। बात करें रात्रि का पहला प्रहर जो 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में होता है, ये प्रदोष कहलाता है। रात्रि का दूसरा पहर जो है वो निश्चित कहलाता है। मध्य रात्रि या आधी रात का समय आपका तीसरा पहर मतलब त्रियामा कहलाता है, और जो मैंने आपको बताया था कि ये तंत्र विद्या इसी में काम करती है। रात्रि का चौथा पहर, जैसा कि अपन ने शुरुआत में पढ़ा था, सूर्य के उदय के पहले का समय उषाकाल कहलाता है, तो रात्रि का चौथा पहर उषाकाल कहलाएगा। रात्रि का तीसरा पहर वापस से आया, त्रियामा कहलाएगा। पूर्व एवं दक्षिण के बीच का कोण, अब शायद मेरी आपको कहानी अगर पता हो तो पूर्व दिशा एबीसी के जस्ट सामने है, दक्षिण दिशा इस तरफ प्रभात पर है, उन दोनों के बीच में अमृत ढाबा पड़ता है, और अमृत ढाबा में अग्नि जलती है, तो वहां से आग्नेय कोण बन गया।
बात करें पूर्व एवं उत्तर के बीच का कोण, तो पूर्व दिशा एबीसी के जस्ट सामने है और उत्तर दिशा जिधर मंडी है, मंडी से आपको उत्तर मिलता है, उदय भगवान का मंदिर है, तो वहां से कौन सा कोण बनेगा? ईशान। ईशान मतलब भगवान शिव का नाम होता है, ईशान कोण वहां से बनेगा। बात करें पश्चिम एवं दक्षिण का कोण, एबीसी के जब सामने पूर्व है तो पीछे निश्चित तौर पर दक्षिण होगा, और पूछा है पश्चिम, तो अगर इधर पूर्व इधर होगा तो पश्चिम इधर होगा, और उत्तर अगर इधर तो दक्षिण इधर होगा, मतलब ये झोपड़पट्टी जो पीछे वाला एरिया होगा इसमें कौन सा कोण बनेगा? तो सबसे अलग जो कोण था वो नैऋत्य था। बात करें पश्चिम और उत्तर के बीच का कोण, तो पश्चिम इलाका ये है और उत्तर मंडी ये है, और बीच में एक डेप्थ खाली है जहां पर सब वायु घूमती रहती है, वायु वहां पर अच्छा हवा चलती है, तो उसको वायव्य कोण बोलेंगे। 10 वर्षों पर होने वाला दशक कहलाता है, 25 वर्षों पर रजत जयंती होती है, 50 वर्षों पर स्वर्ण जयंती होती है, 75 पर आपकी हीरक, 60 पर आपकी हीरक जयंती होती है, 75 पर आपकी प्लेटिनम जयंती होती है, और 100 पर पूरी की पूरी क्या होती है जी? शताब्दी होती है। निश्चित तौर पर आपको अनेक के लिए एक शब्द में अगर ये प्रश्न कहीं पर एग्जाम में दिखेंगे, आप बेहतरीन बनाने वाले हो अगर आपने पहले बिना पेन चलाए इसको पढ़ा होगा और रिविजन में बिना पेन चलाए मेरे से पहले उत्तर देने का प्रयास किया होगा। आगे ऐसे ही और भी अनेक के लिए एक शब्द का अगला पार्ट लेकर आएंगे। अपन क्वेश्चन नंबर 207 तक कंप्लीट कर चुके हैं, अगला 208 से आपको नया पार्ट मिलने वाला है। ठीक है, ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।